वेलकम टू जूम क्लासेस बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चंस है, तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि इस स्टूडेंट स्टेटमेंट को हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमें ax² + bx + c = 0 हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस स्टेटमेंट को। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 m², यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहा है। तो हम रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल के शेप में होंगे, ठीक है, या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है स्टूडेंट, जिसका एरिया कितना दे रखा है 528 m², ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट समझते हैं फिर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि मीटर्स में दे रखा है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस स्टेटमेंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। द लेंथ, लेंथ का मतलब ये लेंथ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि यह प्लॉट है और इसका ये लेंथ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ यानी कि ट्वाइस इज ब्रेथ का मतलब ये हो गया कि अगर ब्रेथ मेरा एक्स है तो यह क्या होगा, 2x होगा, यह आप समझ लीजिए। अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, यह 2 है तो ये 4 होगा, ठीक है। यही तो कह रहा है ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब ब्रेथ x है तो ये ब्रेथ से ट्वाइस है यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या 2x हो जाएगा, तो लेंथ की तो बात कर रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए अच्छे से समझिए। देखिए यहां पर आपको तो अच्छे से समझना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, एक अधिक है, ठीक है, एक अधिक है देन ट्वाइस यानी कि दुगने से, लेंथ का दुगने से किससे, तो ब्रेथ से, तो ब्रेथ का एक्स मान लीजिए तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आपसे वन मोर का मतलब प्लस वन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आ गया, तो यह आपका लेंथ हो गया, LENGTH लेंथ हो गया, ठीक है, साफ लिख देता हूं यहां पर, लेंथ हो गया ये और ये हो गया ब्रेथ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हम लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट, अच्छे से ध्यान दीजिए, लेंथ कितना है मेरा, लेंथ इज इक्वल टू एक्स है और ब्रेथ कितने हैं, ब्रेथ मेरा है स्टूडेंट 2x + 1। क्यों 2x + 1 हुआ, तो यहां पर समझिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ से ट्वाइस है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया, कह रहा है इसमें वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, वी नीड टू फाइंड यानी कि हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ प्लॉट का कितना है, यानी कि लेंथ कितने हैं और ब्रेथ कितने हैं, ठीक है स्टूडेंट, हमें यही इसमें फाइंड करना है, तो हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसमें आपसे कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको समझते हैं। अब स्टूडेंट क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पर लिख दीजिए आप एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दे रखा है स्टूडेंट 528 m², ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L into B = 528 m²,
तो लेंथ कितना है स्टूडेंट मेरा, x है, तो x लिखेंगे, इनटू देंगे, फिर ब्रेथ कितना है, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 528 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, हमने तो हमें तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इस फॉर्म में हमें लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट बताइए आप, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, तो प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1x। ठीक है, x 1 से x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x और ये माइनस स्टूडेंट, ये इक्वल के बाहर प्लस 528 है, अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा 528। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये इक्वेशन बना रहा हूं ना, तो इसको आप हटा दीजिए तो बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा स्टूडेंट। ये मीटर आप नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, क्योंकि ये एरिया एक्चुअली दे रखा था, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो आपको इस तरीके से करना है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसी फॉर्म में इस स्टेटमेंट को इसी फॉर्म में हमें लिखना था, मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से आप लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप मीटर स्क्वायर मत लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यही लिख दीजिएगा, समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे जूम क्लासेस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, और आप इसे फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए, और फाइनल जो एग्जाम आएंगे स्टूडेंट सेकंड टर्म वाले, हम लोग इसमें आराम से बैठ के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ भी सॉल्व करेंगे, साइंस भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद जय भारत।